प्राचीन महल और मस्जिद जैसे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये है जौनपुर, इलाहाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर। इस शहर की कहानी इसकी इमारतों की जितनी ही रोमांचक है। जौनपुर की स्थापना दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में की। शहर का नाम उसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखा गया, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। पर इस शहर को मशहूर बनाने का श्रेय जाता है एक गुलाम मलिक सरवर, जिसने शर्की वंश की स्थापना की। अपने चरम सीमा पर जौनपुर सल्तनत पश्चिम में इटावा से पूरब में लखनौती तक और दक्षिण में विंध्याचल से उत्तर में नेपाल तक फैला था। शर्की वंश की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी और शर्कियों ने जौनपुर को एक विशेष उर्दू और सूफी केंद्र भी बनाया। जौनपुर सांप्रदायिक सद्भावना का आदर्श था और यही विशेषता उसकी इमारतों में नजर आता है, जो हिंदू और इस्लाम वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। इसका प्रमुख नमूना है शाही किला, जिसे किरार कोट भी कहा जाता है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के वक्त हुआ था, पर इसे शर्की शासकों ने और भी बेहतरीन बनाया। किले में जौनपुर की सबसे प्राचीन मस्जिद उपस्थित है, जिसके करीब एक स्तंभ पाया जाता है जो सुल्तान इब्राहिम शाह के शासन को स्मरण करता है, जिसने शर्की वंश की प्रतिमा सबसे ज्यादा बढ़ाई थी। किले में ही आपको देखने को मिलेगा भूल भुलैया, जो एक तुर्की हमाम था जिसमें ठंडे और गर्म पानी दोनों की सुविधाएं थी। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमाम तक पहुंचने का पथ किसी भूल भुलैया की तरह था। मशहूर अटाला मस्जिद एक और खूबसूरत इमारत है, जो पहले तुगलकों ने बनाई थी और फिर शर्कियों ने बेहतर की। दिलचस्पी की बात यह है कि शर्की मस्जिदों में मीनार नहीं थे, जो कि झिंझरी मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद में भी नजर आता है। आखिर में है जमा या बड़ा मस्जिद, जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद। कई शर्की शासकों और रईसों की कब्रें यहाँ मौजूद है। ये कब्रें एक समय पर बड़ी खूबसूरत रही होगी, पर इन्हें सिकंदर लोधी ने जौनपुर शहर के साथ गिरा दी थी। जौनपुर को फिर कभी अपनी खोई हुई प्रतिभा नहीं मिल पाई, पर वह फिर भी इतना सुंदर शहर था कि शाहजहां ने इसे शिराज़े हिंद का खिताब दिया था, ईरान की अद्भुत राजधानी शिराज की बराबरी में। पर आज कुछ ही लोग इस शानदार शहर को याद करते होंगे।